नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, आज मैं थर्ड पेपर लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि मैं अभी फर्स्ट और सेकंड पेपर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग जाके मेरे बीएड वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की बातें हैं सब। थर्ड पेपर मैं दे रहा हूँ 2016 से लेकर 2019-20 तक, 21 तक दूंगा आपको। 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ था दोस्तों, तो आइए थर्ड पेपर में देखते हैं। देखिए, थर्ड पेपर का नाम क्या है, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग। मतलब इसका नाम होता है, इसका हिंदी में होता है अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है, इसका देख लीजिए पेपर क्या क्या होता है। ये भी दो दो क्वेश्चन, दो नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 10 तक होता है, जिसको हम लोग अति लघु उत्तरी बोलते हैं। लघु उत्तरी में खंड ब होता है, जिसको हम लोग 18 × 8 × 5 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर का। उसके बाद खंड स में देखिए क्या होता है दोस्तों, दीर्घ उत्तरी होता है, जो कि 15 नंबर के होते हैं, दो दो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दिए थे, देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन इसमें आपको दो ही करने होते हैं, सिर्फ दो करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए 2016 और 17 का पेपर देखिए क्या है, साइकोलॉजिकल ऑफ लर्नर। ये देखिए, आप थोड़ा सा एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। आगे आ जाइए, संगठनात्मक बुद्धि क्या होती है ये भी देख लीजिए, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, सब वीडियो आपको अच्छे से पॉज करके क्वेश्चन ये देख लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये 2016-17 का पेपर है, सेमेस्टर फर्स्ट का है दोस्तों। अधिगम शिक्षण, देखिए शिक्षण प्रक्रिया प्रक्रिया के छात्र की भूमिका बताइए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साक्षी विधि। देखिए इस क्वेश्चन आप देख लीजिए, खंड समय दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिसमें कि 5, 15 नंबर के दो क्वेश्चन थे। बार बार एक ही चीज़ में बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये जो है एक अनसॉल्व पेपर है, और बीबीएस पूर्वांचल का दोस्तों, किसका है, बीबीएस पूर्वांचल, जिसको हम लोग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। अनसॉल्व पेपर है, जो कि प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए उसी का पेपर है। ठीक है दोस्तों, 2016-17 का पेपर मैं आपको बताया हूँ अभी। अब 2018 पे आते हैं, देखिए 2017 का पेपर है दोस्तों, थर्ड पेपर, जिसको हम लोग साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग बोलते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत के किसने प्रतिपादित किया था, इसके बारे में बताना है। चर को प्रतिपादित करना है, तो थर्ड पेपर आप देख सकते हैं ये है। ठीक है, चर को परिभाषित कीजिए, देख लीजिए। और क्वेश्चन है, संज्ञान किसे कहते हैं, विस्मित क्या कहते हैं, चिंतन क्या, बुद्धि को परिचय, सब चीज़ें दिया हुआ है दोस्तों। शिक्षण व्यवहार से आप क्या समझते हैं, सब पेपर आप देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो पॉज करके। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये थर्ड पेपर शुरू है, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर थर्ड पेपर का है। दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम होता क्या, लर्निंग होता क्या। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम में व्यवहार क्या है, अधिगम स्थानांतरण क्या, अर्थ क्या होता है, समृद्ध प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्मृति क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, विकास एवं बुद्धि में अंतर बताइए, कल्पना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा वीडियो, आप लोग पॉज करके थोड़ा सा खंड भ देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद खंड स पे आ जाइए, 15 नंबर का दो क्वेश्चन इसमें करना होता है, 11 क्वेश्चन दिया रहता है। मंद गति अधिगमकर्ता क्या होता है, बौद्धिक कम अधि अभिक्षमता क्या होता है, पियाजे विचारधारा क्या होती है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 2018 का पेपर था। देखिए दोस्तों, थर्ड पेपर देखिए, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, इसमें देखिए क्या है, 2 से 10 क्वेश्चन होते हैं, तो कि पेपर बार बार मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बुद्धि को परिभाषित करिए, पिछड़े बालक का अर्थ क्या होता है, अभिक्षमता क्या होता है, किसे कहते हैं, सब चीज़ें आप देख सकते हैं। 8 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, अथवा तो करके 2, 3, 4, 5, देखिए 5 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन इस पर से आपको करने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक खत्म हो गया, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तीसरी ये आपको 15 क्वेश्चन 2 नंबर्स करने होते हैं। अब आगे आइए 2021 का, 2019-20 में पेपर हुआ नहीं था दोस्तों, 2021 में आ जाते हैं दोस्तों। आपको बता दें, 2020 में कोरोना के कारण पेपर हुआ नहीं था, 2021 में पेपर हुआ, जो कि थर्ड पेपर का नाम है साइकोलॉजी एंड लर्नर एंड लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है दोस्तों, ये पेपर हुआ था, और ये पेपर का थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया था। क्या पैटर्न बदल गए थे, 10 क्वेश्चन 3-3 नंबर के थे दोस्तों, और 10 क्वेश्चन थे 3 नंबर के थे, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के आधार पे दो पेपर के भी नंबर आपको दिए गए थे। ठीक है, पिछली साल मतलब इस साल के बच्चों को जो सेकंड ईयर में होंगे, उनको इस आधार पे ही नंबर दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा ये पेपर जो है थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्तों। देखिए जैसे डिस्लेक्सिया क्या है, संस्कृति पूंजी क्या है, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद देख लीजिए इसमें क्या है, केवल तीन, अब देखिए अगला जो पैटर्न दिया होता है, केवल 3 क्वेश्चन करने थे 15-15 में, तो ये 45 नंबर का ये हो गया। और अंतिम वाला देखिए क्या है, जो कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन करना था, चार में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी एक प्रश्न को उत्तर दीजिए, प्रश्न उत्तर लगभग 400 में, इसमें कितना देना था, 400 देना था। ठीक है, जैसे देखिए कल्पना क्या है, कल्पना का प्रकार क्या होता है, शिक्षा में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, और इसमें कोई दिक्कत
नहीं है दोस्तों, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे समझ लीजिएगा। 2020 में इसका हुआ नहीं था, 2022 में अब जो कि नए जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे वो प्रिपेयर देंगे। उसका पैटर्न क्या होगा वो तो पेपर देने के बाद ही पता चलेगा, लगभग इसी तरीके से पैटर्न होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं ये मैं जो जाना हूँ ये बीएड थर्ड पेपर सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड लर्नर, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी में क्या होता है, इसका हिंदी में होता है दोस्तों अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान कॉमा अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।